नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो चैनल में। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आर्यवर्त में सबसे पहले क्लास में चैन स्टिच के बारे में जानने वाले हैं। चैन स्टिच में सबसे पहले हमको दो चीज़ चाहिए, ये कसब और नीडल। तो ये दोनों चीज़ से हम आर्यवर्त में चैन स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास चेन स्टिच और कसब वर्क के लिए फिलहाल दो टाइप की नीडल्स है। आप दो नीडल्स में से कोई भी एक नीडल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक नीडल ले ली और उसके बाद मैं कसब को साइड की साइड से दो तीन बार नॉटिंग कर लेता हूँ ताकि वो फैब्रिक में ऊपर की साइड ना आ जाए। देखिए, मैंने दो तीन बार नॉटिंग कर ली। इसके बाद आपको कसब को ऐसे पकड़ना है और नीडल्स को ऐसे फंसा के ऊपर खींचना है। देखिए, मैंने जैसे बताया, आप ऐसे नीचे की साइड उसको पकड़ना और ऊपर से नीडल को डाल के नीडल में फंसा के कसब को ऊपर की साइड खींच लेना। देखिए, बहुत ही आसानी से हो गया। आप भी इसको प्रैक्टिस करके घर पे सीख सकते हो। तो देखिए, मैंने दूसरी बार जब आप नीचे नीडल डालोगे तो आपको कसब को 360 डिग्री सुई के आसपास घुमाना है। देखिए, मैं जैसे बताया ऐसे वीडियो में। और दोस्तों, आपको चैन स्टिच के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको दो तीन दिन प्रैक्टिस के लिए निकालना होगा। दो तीन दिन प्रैक्टिस करके तो आपको बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा। तो दोस्तों, ये मैं देखिए अभी कितनी आसानी से कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप भी इतनी आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये नीडल्स को जब भी आप नीचे डालोगे तो ऊपर खींचते टाइम 180 डिग्री घुमा के बाहर निकालना है। देखिए, मैंने डाली, 180 डिग्री घुमाया और नीडल्स को बाहर निकाली। 180 डिग्री घुमाने से क्या होगा कि फैब्रिक में आपकी नीडल्स फंसे नहीं। देखिए, 180 डिग्री ऐसे घुमाना है। 180 डिग्री घुमाने से क्या होगा कि आपकी नीडल्स फैब्रिक में फंसती नहीं है और आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सके तो आप कॉटन फैब्रिक में या नेचुरल फैब्रिक में ट्राई कर सकते हो। उसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए, बहुत ही आसानी से हो रहा है। देखिए, एक बार मैं नीचे के व्यू से भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए, सुई को नीचे डालना है, 360 कसब को घुमाना है और नीडल्स को बाहर निकालना है ताकि वो आसानी से निकल जाए और कसब भी उसमें आ जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके या मेल करके बता सकते हो। और आपको और कुछ भी सीखना है आरी वर्क में या टेलरिंग में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका ये थ्रेड नीचे से खींच जाएगा तो आपका पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी और पूरी स्टिच बाहर निकल जाएगी। तो इसके लिए आपको नॉटिंग करना पड़ेगा। देखिए, मैं आगे बताता हूँ नॉटिंग कैसे करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये नॉटिंग वाला पार्ट यही मेन पार्ट है। देखिए, ऐसे निकल रहा है और पीछे वाले थ्रेड को ऐसे पकड़ के आगे वाले नीचे से थ्रेड को खींच लेना है। देखिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अभी दोस्तों, नीचे से खींचने पर ये स्टिच आपकी निकलेगी नहीं और फिक्स हो जाएगी। अब आप नीचे से थ्रेड को कट कर सकते हो। देखिए, एक बार आपको फिर से पूरी स्टिच बता देता हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।